सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं NS-34 यानी कि NS-34 जो एक्सप्रेस वे है उसको स्टैंड किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, दोनों साइड में ये चौड़ा करने का काम चल रहा है। ये 4 लेन से 6 लेन में इसको डाइवर्ट किया जा रहा है और जो इसका पुराना ब्लैक टॉप है उसको निकाला जा रहा है, नया ब्लैक टॉप लगाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है वहाँ वहाँ इस पर लैन मार्किंग भी की जा रही है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है आप लोगों के बीच में और इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बुलंदशहर टू खुर्जा तक का दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है इस NH-34 पर दोस्तों। तो देख सकते हो तेज़ी के साथ में, इसमें आपको बता दूँ रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में। कहीं कहीं इस पर अर्थवर्क का काम हो चुका है, कहीं कहीं इस पर रोरी बजरी डाली जा रही है और फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो हर जगह देख सकते हो अभी मेरे लेफ्ट हैंड पे कि किस तरीके से इसको चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, हर जगह आप लोगों को मशीनें देखने के लिए मिलेंगी। ये देखो ब्लैक टॉप की मशीन है और यहाँ पर चौड़ा करके, और इस पर आपको बता दूँ कि इस पर कंक्रीट डाल दिया गया और इधर ब्लैक टॉप की एक लेवर डाल चुके हैं, लेयर को डाल दिया है देख सकते हो ये। अब इस पर सेकंड लेयर डाली जाएगी और उसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, तो यही काम चल रहा है। इसका जो पुराना ब्लैक टॉप है उसको भी निकाला जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूँ ये गाज़ियाबाद के लाल कुआं से स्टार्ट होता है और ये अलीगढ़ तक बनाया जा रहा है, क्योंकि और अलीगढ़ से एटा के बीच में बिल्कुल कम्प्लीट पहले ही हो चुका है। तो यही पैच बचा था, तो इस पर देख सकते हो तस्वीरें। तो इसको चौड़ा करने का भी वर्क चल रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है, इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो देख सकते हो ये लैंड मार्किंग का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ ब्लैक टॉप हो गया है कंप्लीट वहाँ वहाँ इस पर लैंड मार्किंग का काम चल रहा है। और इस पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जानी है, क्योंकि इस एरिया में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो वो भी लगाई जाएंगी। तस्वीरें देख सकते हो कि ब्लैक टॉप, देखो ब्लैक टॉप करके और इस पर लैंड मार्किंग का काम चल रहा है। तो दोनों साइडों में इन्होंने लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में ही कर दिया, अभी बीच की लैंड मार्किंग और होनी बाकी है दोस्तों। और इसको रोड को एक्सपेंड किया जा रहा है, तो यही वर्क चल रहा है अभी इस NH-34 पे दोस्तों। पहले इसका नाम था NH-91, अब उसको हटा के अब ये NH-34 कर दिया जा चुका है। तो दोनों साइड में ही यही वर्क देखने के लिए मिलेगा आप सभी को एक्सपेंशन का ही। तो तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। और कोई क्वेश्चन कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलो एंजॉय करो आप सभी।
देखो दोस्तों, ये पुराना ब्लैक टॉप है, इसको भी अभी काटा जा रहा है। एक साइड तो पड़ चुका है इसमें लेफ्ट हैंड पे, और उसके बाद में इस पर एक्सपेंशन का काम चल रहा है, रोड एक्सपेंशन का। तो ये वाला बचा हुआ है, देख सकते हो दचर दचर कर रहा है ये, तो इसको भी अभी काटा जाएगा। काटने के बाद में फिर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, फिर इस पर लैंड मार्किंग का काम किया जाएगा, और स्ट्रीट लाइट भी लगाए जाने हैं। तो अभी बहुत तेज़ी के साथ में इस एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है, 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यही दोनों साइड में वर्क चल रहा है, और उधर तो आपको बता दूँ कि दोनों साइड का बन चुका, उधर का बन चुका है, तो उस पर लैंड मार्किंग का काम भी चल रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी एक तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो आप सभी, केपी संत के चैनल पर केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों तो देख सकते हैं ये पुराना ब्लैक टॉप है, इस पर आपको बता दूं कि टिकरियां लगी हुई हैं, जो टिकरियां हैं वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता, तो इस वजह से इसको काटा जा रहा है और नया ब्लैक टॉप इस पर बिछाया जा रहा है। और बिछाने के बाद में देख सकते हो ये लैंड मार्किंग की जा रही है, देखो राइट में भी लैंड मार्किंग कर दी है, लेफ्ट में भी कर दी है। दोस्तों अभी एक बीच में लेयर ले गई है इसकी लैंड मार्किंग की, तो बीच में भी कर दी जाएगी दोस्तों। और बीच में हो जाने के बाद में जैसा कि आपको पता ही है, फिर ये चौड़ा हो जाएगा। तो देख सकते हो दोनों साइड में ये काम चल रहा है, उधर भी पेड़ हैं, देखो ये JCB चल रही है, ये देखो ये रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, यानी कि चौड़ा किया जा रहा है। इसमें अभी 2 लेन और बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो ये 6 लेन का हो जाएगा, अभी तो 4 लेन का है, फिर ये 3 लेन इस साइड में, 3 लेन उस साइड में ये हो जाएगा, और एक्सिस कंट्रोल्ड ये हाईवे हो जाएगा NH 34 गाइस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो जहाँ भी आप कर सकते हो, अपनी हितू रिश्तेदारी में, दोस्तों में, जहाँ भी आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोज़ को। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता और दिखाता रहता हूं दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को ये तीन चार पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। अलीगढ़ तक का सफ़र तय करूंगा, और मैंने गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया था, और अभी आगे खुर्जा आने वाला है दोस्तों, तो खुर्जा तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है अब तक। तो रोड एक्सपेंशन का काम भी चल रहा है, जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जब तक इस पर वर्क चलेगा तब तक केपी संत के चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आप सभी को दोस्तों। और आपको बता दूँ कि जो पैच था वो गाज़ियाबाद लाल कुआँ से लेकर और अलीगढ़ तक का था, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ रास्ता था, इस पर टिकरियाँ लगी हुई थी, गाड़ी धचर 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 भगा नहीं पाते थे, तो इस वजह से इसको नई कंपनी द्वारा इसको बनाया जा रहा है, और इसको चौड़ा भी किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग कि इसकी अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है इस लेन पर, अर्थवर्क का काम करने के बाद में फिर इस पर रोरी बजरी डाली जाएगी, रोरी बजरी डालने के बाद में फिर इस पर एक लेयर ब्लैक टॉप का घेरा जाएगा, फिर दूसरा लेयर भी घेरा जाएगा, तब ये कंप्लीट होगा जाएगा दोस्तों, फिर ये एक्सिस कंट्रोल्ड हाईवे बनाया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।